व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन द ब्लड प्रेशर, आप यूं मान के चलो तो रिफ्लेक्स मैकेनिज्म तो एक्टिवेट होगी ही होगी। जो ही ब्लड प्रेशर गिरता है रीनल ब्लड फ्लो भी घटेगा, घटेगा ना, तो इसका मतलब रीनल मैकेनिज्म भी काम करना शुरू कर देंगी। तो ऑल मैकेनिज्म स्टार्ट ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली, बट द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन एंड सैचुरेशन लेवल आर डिफरेंट। नर्वस रेगुलेशन है वो जल्दी सैचुरेट हो जाती है, लिमिट है उनकी, 24 घंटे 48 घंटे तक काम करेंगे, उसके बाद में मैक्सिमम लेवल पहुंच गई, उसके बाद में वो कुछ नहीं कर सकती। एक्शन चल रहा है उनका मगर दे आर नॉट एबल टू मेंटेन फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। अब फिर दूसरी मैकेनिज्म्स हैं वो भी साथ के साथ शुरू हुई है मगर वो लंबे अरसे तक चलेगी। किडनी वाली है वो चलती रहेगी जब तक ये नॉर्मल नहीं आता, नहीं आता इसका मतलब फिर हाइपरटेंशन हो गया उसके। हर होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म की एक लेवल है काम करने की, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर बीमारी होती ही नहीं है कि नहीं। इसका मतलब सिस्टम में फेलियर तो क्रिएट होता है और उसी की वजह से हाइपरटेंशन क्रिएट हो रहा है। इट इज द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, स्टार्ट ऑफ एक्शन साथ साथ है सबका, इमीडिएट इफेक्ट होता है। तो इडियोपैथिक का क्या मतलब होता है? इडियोपैथिक जिसका कोई कारण पता नहीं हो वो इडियोपैथिक है। प्राइमरी भी यूजली उसी को कहते हैं जिसका कि आप डिटेल्ड आपने इन्वेस्टिगेशन किया और इसके बावजूद भी कुछ भी पता नहीं लगा तो प्राइमरी कहलाता है। तो प्राइमरी इडियोपैथिक हाइपरटेंशन जिसका प्रोबेबल कारण ये हो सकते हैं मगर देर आर वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट देम। ओके, तो फिर प्राइमरी हाइपरटेंशन का कारण क्या है बेसिकली? व्हाट इज द बेसिक कॉज बिहाइंड राइज इन द ब्लड प्रेशर डिस्पाइट प्रेजेंस ऑफ सो मच रेगुलेटरी मैकेनिज्म? इतना सारा कुछ होने के बावजूद भी लार्ज सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन सफर फ्रॉम रेज्ड ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन बहुत कॉमन डिजीज है, ऐसा क्यों हो रहा है? सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द चेंज इन द रिसेप्टर सेंसिटिविटी ऑफ द बेरोसेप्टर। बेरोसेप्टर्स एज यू नो आर लोकेटेड इन द एओर्टिक आर्च एंड द कैरोटिड साइनस। These are the large arteries. These are elastic arteries. And as the age advances, there is a gradual loss of elasticity of the arterial wall. तो जितना volume arteries में pump हो रहा है उसमें जो stretch होकर के जो pressure को dissipate किया जा सकता था वो अब नहीं हो पा रहा और उसकी वजह से pressure ज्यादा rise हो रहा। तो chronically elevated pressure becomes real when there is a loss of elasticity, पहली बात। दूसरी बात भी साथ में चलती है, एज द एज एडवांसेस देयर इज अ फिनोमेना ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस, डिपोजिशन ऑफ द एथेरोमेटस प्लाक्स आर देयर इन द आर्टेरियल वॉल एंडोथेलियम, एंड बिकॉज द एफरेंट नर्व फाइबर्स देयर एंडिंग्स आर एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द आर्टरीज नियरली एंडोथेलियम, सो नाउ मोर स्ट्रेच विल बी नीडेड फॉर दोज एंडिंग्स टू बी स्टिमुलेटेड। तो उनकी सेंसिटिविटी घट गई, जो रिसेप्टर एंडिंग थी उनकी सेंसिटिविटी घट गई क्योंकि जो वॉल थी वो ज्यादा थिक हो गई है, कम रेजिस्टेंट हो गई है। सो मोर स्ट्रेच इज नीडेड टू स्टिमुलेट दोज रिसेप्टर एंडिंग एंड दैट्स व्हाई द प्रेशर गेट्स एलिवेटेड और रेगुलेटेड एट अ हायर लेवल। अब हायर लेवल पे रेगुलेट होगा तो स्ट्रेच अब ज्यादा करनी पड़ेगी आपको, तब जाकर के एंडिंग स्टिमुलेट, नो टॉकिंग, तब जाकर के वो एंडिंग स्टिमुलेट होगी। इसमें क्या हंसने की बात आ गई बेवकूफी की? व्हाट इज देयर टू लाफ अबाउट? You are showing your foolishness, that's all. तुम्हें पता ही नहीं है कब हंसना चाहिए कब नहीं हंसना चाहिए। That's the loss of prefrontal cortex function. ये जिसका काम है ना ये social behavior, वो अगर खत्म हो रहा है इसका मतलब यहाँ कहीं गड़बड़ है। पिक्चर में बोलते हैं केमिकल लोचा होना, वो लोचा क्रिएट होता है यहाँ पे, इसलिए आपका बिहेवियर एबनॉर्मल हो जाता है। कहाँ क्या करना चाहिए आपको अंदाजा ही नहीं है। So, that is the cause of primary hypertension, most important cause, loss of elasticity and atherosclerosis resulting into decreased sensitivity of the baroreceptor nerve endings resulting into the pressure getting elevated and regulated at a higher level, that is the cause of hypertension. Then deranged renal function, one of the important cause is the sodium retention which may not be evident otherwise. आप प्लाज्मा या ब्लड सोडियम कॉन्सेंट्रेशन मेजर करेंगे इट विल बी विद इन नॉर्मल लिमिट,
स्टिल देयर इज अ रिटेंशन ऑफ द सोडियम विच कैन नॉट बी डिटेक्टेड, क्योंकि हम जानते हैं और रिसर्च से ये प्रूव भी हुआ कि अगर हम सोडियम रेस्ट्रिक्शन कर दें हाइपरटेंसिव पेशेंट का तो काफी हद तक ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सकता है। हायर इनटेक ऑफ द सोडियम विल कॉज रिटेंशन ऑफ द सोडियम, रिटेंशन ऑफ द वाटर, इंक्रीज इन द प्लाज्मा वॉल्यूम विल बी देयर एंड इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर विल बी देयर। सो सॉल्ट रिटेंशन हैज टू बी देयर बिकॉज वी एक्सपेक्ट दैट सम रीनल डिसफंक्शन एग्जिस्ट विच इज कॉजिंग रिटेंशन ऑफ द सोडियम, तो सोडियम रेस्ट्रिक्शन जरूरी है। देन ओबेसिटी एंड सेडेंटरी लाइफ स्टाइल ऑफ कोर्स आर अदर कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स टू द बिनाइन और असेंशियल हाइपरटेंशन। Secondary hypertension, where the blood pressure is raised and after investigation, we can detect that this is the cause of the hypertension. कारण हम पता लगा सकते हैं, क्या कारण हो सकते हैं? Chronic kidney disease is very common cause of secondary hypertension, which can be treated. Chronic kidney disease, toxemia of the pregnancy, ये momentary condition है, pregnancy के दौरान ही होती है। There is a sudden malignant rise in the blood pressure, vomiting होती है and miscarriage can be there. This is serious condition, toxemia of the pregnancy. Endothelial dysfunction results because of the loss of endothelial function, there will be loss of nitric oxide function, which is the major vasodilator in the primary or peripheral circulation. Thickening of the glomerular membrane, neurogenic hypertension, nervous system, chronic tension, anxiety is one of the cause, and very uncommon cause is coarctation of the aorta. Ye kya hota hai coarctation? What is coarctation? Anatomy mein padhaya hoga na, padha diya gaya hai. Narrowing at some particular part, the aorta gets narrowed. That is known as coarctation of the aorta, and that will cause hypertension above that level. Uske niche ki level ke upar blood pressure ghatega और उसके ऊपर की लेवल पे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, दैट इज कोआर्क्टेशन, दीज आर द कॉजेस ऑफ सेकेंडरी हाइपरटेंशन। ऑफ कोर्स कुशिंग सिंड्रोम इज द एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इन द बॉडी विच आर नोटोरियस फॉर कॉजिंग रिटेंशन ऑफ द सॉल्ट एंड वाटर। कोन्स डिजीज इज हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, एल्डोस्टेरोन ज्यादा सिक्रेट हो रहा है एड्रेनल कॉर्टेक्स डिजीज से, एंड दैट इज कॉजिंग retention of sodium again, retention of the water, and hypertension is there. Acromegaly and hypothyroidism. Acromegaly pituitary tumors की वजह से होती है, hypothyroidism thyroid के dysfunction की वजह से होती है, इनमें भी hypertension हो सकता है। And pheochromocytoma are the tumors of the adrenal medulla. Adrenal medulla, adrenal gland है, adrenal cortex है, adrenal medulla है। Adrenal medulla में जो chromaffin cells होते हैं उनका अगर ट्यूमर हो, एनलार्जमेंट हो, ग्रोथ हो, देन दे विल सिक्रीट मोर कैटाकोलामाइंस, एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन की लेवल बढ़ जाएगी ब्लड के अंदर और वो हाइपरटेंशन क्रिएट करेगी, फियोक्रोमोसाइटोमा। देन आइट्रोजेनिक कॉजेज आर देयर, आइट्रोजेनिक मतलब सेल्फ क्रिएटेड, आइट्रोजेनिक शब्द का मतलब है सेल्फ क्रिएटेड, अपनी खुद की गलती से जो क्रिएट हो रहा है उसको हम आइट्रोजेनिक कहते हैं। ओरल कंट्रासेप्टिव्स फीमेल्स आर टेकिंग टू कंट्रोल द फर्टिलिटी, स्पेशली ईस्ट्रोजन्स आर देयर विच आर नोटोरियस फॉर कॉजिंग चेंजेस इन द वैस्कुलर सिस्टम एंड द ब्लड प्रेशर इज रेज्ड। एंड प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ एनसेड, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स, प्रोसेन, मेटासेन, आइबुप्रोफेन, इस तरह की जो दवाइयां हम बहुत ज्यादा लेते हैं बिकॉज ऑफ द ज्वाइंट पेन्स, मस्कुलर पेन्स, लॉट ऑफ पर्सन आर कंज्यूमिंग दीज ड्रग्स कंटिन्यूअसली 3-4 टाइम्स अ डे टू मिटिगेट द पेन, दे आर वन ऑफ द कॉजेस ऑफ रेज ब्लड प्रेशर सेकेंडरी हाइपरटेंशन। ये हम नहीं पढ़ेंगे, ये हमारे कोर्स में से हटा दिया है। नाउ वी कम टू द पेरिफेरल सर्कुलेशन और माइक्रो सर्कुलेशन। ब्लड प्रेशर खत्म हो गया, माइक्रो सर्कुलेशन पे आते हैं नीचे, जहां सारा सीन क्रिएट हो रहा है, जिसके लिए पूरा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम लगा हुआ है, उसका जो एक्चुअल एक्शन है वो कहां हो रहा है? माइक्रो सर्कुलेशन में हो रहा है। ऑल दी थिंग्स आर हैपनिंग एट द लेवल ऑफ द माइक्रो सर्कुलेशन, वेयर the exchange of nutrients are taking place between the intravascular and extravascular compartment. This is the capillary vessel wall, basically three layers as you can see, tunica adventitia, tunica media and tunica intima. Tunica adventitia arterial wall mein uski composition alag hai,
वेन्स की वॉल में उसकी कंपोजिशन अलग है, ठीक है। आर्टरीज में इलास्टिक फाइबर ज्यादा होते हैं, वेन्स में कोलेजन फाइबर रिलेटिवली ज्यादा होते हैं। वेन्स की वॉल थिन होती है, ट्यूनिका मीडिया उसमें भी होती है, मगर स्मूथ मसल उतनी ज्यादा नहीं होती जितनी की आर्टरीज में होती है। तो देयर इज अ डिफरेंस। ट्यूनिका मीडिया मेन फीचर इज प्रेजेंस ऑफ द स्मूथ मसल फाइबर विच आर रिचली सप्लाइड बाय द सिंपैथेटिक नर्व फाइबर, पोस्ट गैंग्लियन सिंपैथेटिक नर्व फाइबर विच कॉज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दीज स्मूथ मसल फाइबर रिजल्टिंग इन टू वाजो कंस्ट्रिक्शन दस कंट्रोलिंग द ल्यूमन ऑफ द आर्टीरियल एंड द वेन्स वॉल एंड दस कंट्रोलिंग द पेरिफेरल रेजिस्टेंस विच डिटरमाइंस द प्रेशर एंड द फ्लो इन टू द सर्कुलेशन एंड देन लास्ट लेयर और इनर मोस्ट लेयर द ट्यूनिका इंटीमा एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द ट्यूनिका इंटीमा इज द एंडोथीलियल सेल लेयर, इनर मोस्ट लेयर इज द एंडोथीलियल सेल लेयर। So smooth muscles are there, you can see arterioles are there, meta arterioles are there, capillaries are there, okay, and in the capillaries there are preferential channels also, these are true capillaries aur ye channels hain preferential channels hai, isme utni zyada capillary network nahi hai, ye arteriovenous anastomosis type ban jata hai, theek hai। So if the blood flow to these is shut, then there is a shunt flow from the arteries to the veins in the peripheral circulation। वही डायग्राम है अलग दिखाकर। द मेन फीचर ऑफ दिस डायग्राम इज द प्रेजेंस ऑफ स्मूथ मसल फाइबर्स इन द मेटा आर्टेरियोल्स। आर्टेरियोल्स आर थिकली एनकैप्सुलेटेड बाय द स्मूथ मसल फाइबर्स। वी हैव सीन आर्टेरियोल्स का डायमीटर करीब करीब 300 माइक्रोन के आसपास होता है, 0.3 मिलीमीटर इज द एवरेज डायमीटर ऑफ द आर्टेरियोल्स, वेयर द ल्यूमन इज वेरी नैरो and wall thickness is very much high which is richly supplied by the sympathetic nerve fiber। So these we have seen are the control valves of the circulation। Sabse zyada resistance arterioles mein hota hai kyunki muscle mass bahut zyada hai tunica media ke andar। In the meta arterioles the continuity of the tunica media disappears and smooth muscle fibers are there but they are sparse, idhar udhar located hai, continuous layer nahi hai smooth muscle fibers ki। And second thing which is evident here is that these meta arterioles mein jo smooth muscle fibers hain they are not innervated by any nerve fiber। So meta arterioles smooth muscle fibers and sphincters at the capillary beginning pe bhi yahan smooth muscle fiber ka ek layer laga hua hai, these are known as pre capillary sphincters। So capillary blood flow mainly is controlled by the tone in the muscles of the pre-capillary area। So pre-capillary sphincter is there, meta arterioles mein multiple smooth muscle fibers are there, smooth muscle cells are there which control the flow, and these smooth muscle fibers of meta arterioles and pre-capillary sphincter are not innervated, they are practically controlled by the local chemical composition of this particular area। Yahan pe chemical environment kya hai वो डिटरमिन करेगा कि ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे या रिलैक्स करेंगी, वो डिटरमिन करेगा कि कैपिलरी में फ्लो होना है कि नहीं होना है और होना है तो कितना होना है। सो प्री कैपिलरी एरिया एट द आर्टेरियल एंड हैज गॉट ए प्री कैपिलरी स्फिंक्टर, बट दैट स्फिंक्टर इज नॉट फाउंड एट द वीनस एंड ऑफ द कैपिलरी। कैपिलरी के वीनस एंड पे कोई स्मूथ मसल फाइबर नहीं होता, देयर इज नथिंग लाइक पोस्ट कैपिलरी स्फिंक्टर, ना सिर्फ प्री कैपिलरी स्फिंक्टर होता है। इसका मतलब ब्लड फ्लो को आगे रेगुलेट किया जा सकता है, कैपिलरीज में प्रेशर रेगुलेट किया जा सकता है बाय चेंजिंग द टोन ऑफ द प्री कैपिलरी स्फिंक्टर एंड द मेटा आर्टेरियोल। बट द मेन क्लिनिकल फीचर और इंप्लाइड एस्पेक्ट ऑफ द एब्सेंस ऑफ द पोस्ट कैपिलरी स्फिंक्टर इज दैट इफ देयर इज एनी राइज इन द वीनस प्रेशर, अगर वीनस प्रेशर किसी वजह से बढ़ रहा है देन दैट प्रेशर विल बी इमीडिएटली रिफ्लेक्टेड एज राइज इन द कैपिलरी प्रेशर, उसको रोकने वाला कोई नहीं है। वेन्स में विन्यूल्स में यहां पे अगर प्रेशर बढ़ता है तो वो डायरेक्टली टर्मिनेट होगा, डायरेक्टली शो होगा कैपिलरी राइज में, बट राइज इन द आर्टीरियल प्रेशर, राइज इन द आर्टीरियोलर प्रेशर विल नॉट बी अलाउड, will not be allowed to increase the capillary pressure, बल्कि capillary pressure घट जाएगा। अगर pre capillary sphincter contract करता है
देन इट विल कॉज डिक्रीज इन द कैपिलरी प्रेशर. जबकि वेन्स में अगर प्रेशर बढ़ता है किसी वजह से तो वो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करेगा राइज इन द कैपिलरी प्रेशर एंड दैट विल रिफ्लेक्ट एज इन सर्टेन डिजीज बाय द प्रेजेंस ऑफ ईडीमा. फ्लूइड फिल्ट्रेशन बढ़ जाता है वीनस प्रेशर बढ़ते ही. क्योंकि आर्टेरियल प्रेशर में अगर हाइपरटेंशन है पेशेंट्स में, ब्लड प्रेशर एलिवेटेड है, तो उन पेशेंट्स में ईडीमा नहीं होता. रेज्ड ब्लड प्रेशर यूजुअली डज नॉट रिजल्ट इन टू ईडीमा. प्रेशर बढ़ गया तो यह नहीं कि फिल्ट्रेशन बढ़ जाएगा ना, यहां से कंट्रोल होता है वो, यहां से प्रेशर नहीं बढ़ने दिया जाता आगे. तो कैपिलरी प्रेशर जब तक नहीं बढ़ेगा, फिल्ट्रेशन नहीं बढ़ेगा, ईडीमा नहीं होगा. मगर अगर वीनस प्रेशर किसी वजह से बढ़ रहा है, जो कि बहुत कॉमन है कई कंडीशंस में, इफ देयर इज अ राइज इन द वीनस प्रेशर देन इट इज रिफ्लेक्टेड एज राइज इन द कैपिलरी प्रेशर. कैपिलरी प्रेशर राइज होगा, फिल्ट्रेशन बढ़ेगा, फ्लूइड एग्जुडेट होगा, इंटरस्टिशियल स्पेस में आएगा और वो ईडीमा क्रिएट कर देगा. सो एनी फैक्टर राइजिंग द वीनस प्रेशर विल कॉज विल रिजल्ट इन टू द ईडीमा बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ द पोस्ट कैपिलरी स्फिंक्टर. सेम चीज है, ये कैपिलरी है. द डायमीटर ऑफ द कैपिलरी वेरीज फ्रॉम 5 to 9 माइक्रोन्स. इसके बीच में वेरी करती है कैपिलरी का डायमीटर. एंड एज यू नो दैट आरबीसीज हैव गॉट अ डायमीटर ऑफ 6 to 9 माइक्रोन्स. एवरेज डायमीटर यही चलता है, 7.2 इज द एवरेज डायमीटर. It means many RBCs in many capillaries have to fold over themselves to pass through the capillaries. कई बार RBC का diameter capillary diameter से ज्यादा होता है, मगर फिर भी वो निकल जाते हैं because of the typical biconcave shape of the RBC. So capillaries allow the passage of the RBCs because of the anatomical structure of the RBC themselves. Which protein is responsible for them? Which protein is responsible or allows the folding of the RBCs? Main structural protein kya hai RBCs ka? Any idea? Spectrin. Spectrin is the molecule, protein molecule, which allows the folding of the RBCs. Then the capillaries, rather true capillaries, if you look at the structure, contains only endothelium. Tunica adventitia is absent, tunica media is absent, tunica media, tunica intima की बाकी जो layers हैं दो वो भी absent होती हैं, सिर्फ अंदर वाली layer present होती है, जिसको हम capillary endothelium कहते हैं. And that capillary endothelium is lined by the endothelial cells. Outside the capillaries, within the endothelium, we find another type of the cells. They are known as pericytes. कहाँ दिखा रखा है इसमें? आगे आए. Pericytes are there. These pericytes are present just outside the endothelial cells and they also regulate the flow of blood into the capillaries. The capillary wall, this endothelium is not a continuous layer. Ye lagatar continuous layer nahi hai. Arteries mein to pores nahi hote. But capillaries or capillary is a site where the fluid and न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन आर टू बी एक्सचेंज्ड, जिसका मेन पर्पस सर्कुलेशन का यही है. इट मींस कैपिलरीज हैज टू अलाउ पैसेज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस देम डिपेंडिंग अपॉन इन विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी वी आर टॉकिंग अबाउट. सो स्ट्रक्चर ऑफ द कैपिलरी इज डिफरेंट इन डिफरेंट ऑर्गन. द पेरिसाइट एज यू कैन सी परफॉर्म मेनी फंक्शन. दे हैव गॉट डेंड्राइटिक प्रोजेक्शंस, रेगुलेट कैपिलरी ब्लड फ्लो. In the brain, they regulate the blood-brain barrier. They form important component of the blood-brain barrier, contribute to development, remodeling, architecture, and permeability of the vasculature. May also help in the lymphocyte activation to affect the process of coagulation, and are responsible in the brain for the neurogenesis, in the muscles for the myogenesis, and even capillary themselves, that is angiogenesis. Nayi blood vessels develop ho sakti hain. उसमें ये पेरिसाइट मदद करते हैं. आर्टेरियोस एज वी ऑलरेडी सीन आर द साइट्स ऑफ द मैक्सिमम पेरिफेरल रेजिस्टेंस. वॉल थिकनेस इज मोर देन ल्यूमन. स्मूथ मसल फाइबर्स आर रेस्पॉन्सिव टू न्यूरल एंड केमिकल स्टिमुलाई. ये फर्क है. आर्टेरियोस में न्यूरल स्टिमुलाई, वी हैव सीन रिच सप्लाई ऑफ द सिंपैथेटिक इनर्वेशन इज देयर,
but in the meta arterioles and capillaries, nerves are not there. Only chemical stimuli are changing the diameter. Internal diameter 10 to 15 micron, total thickness, मैंने बताया 300 micron के करीब हो सकती है. And they are controlling well to regulate the tissue blood flow, arterioles. हो गया ये. ये रेस्पिरेशन में पढ़ा दिया होगा लैप्लास लॉ के एल्वियोलाई का रप्चर कैसे प्रिवेंट करते हैं, टेंशन कितना है, प्रेशर कितना है वो डिटरमिन करता है. कैपिलरीज हैव गॉट अ वेरी लेस टेंशन एंड दैट प्रिवेंट द रप्चर ऑफ द कैपिलरीज. इसका हम ज्यादा बात नहीं करेंगे. एओर्टा के अंदर जो नॉर्मल प्रेशर टेंशन एट द नॉर्मल प्रेशर 1,70,000 डाइम्स पर सेंटीमीटर एंड इन द कैपिलरीज इट इज अप्रोक्सीमेटली 16 डाइम्स पर सेंटीमीटर. बहुत कम होता है टेंशन, इसलिए कैपिलरी रप्चर नहीं होती. कैपिलरी पोर्स की हम बात कर रहे थे. दे आर इंटरसेल्यूलर क्लेफ्ट, सेल्स के बीच में क्लेफ्ट बने हुए, रास्ता बना हुआ है विद अ यूनिफॉर्म स्पेसिंग ऑफ 6 to 7 नैनोमीटर और 60 to 70 एंगस्ट्रॉम यूनिट, दैट इज द एवरेज साइज डायमीटर ऑफ द कैपिलरी पोर्स. Slightly larger than the albumin molecules. It means albumin molecules are allowed to pass in certain areas of the body through these capillaries. Sab mein nahi hota, bahut si jagah allow hota hai. Brain has got tight junctions. So brain mein ye protein molecule pass nahi ho sakte. Theek hai? Very small molecules like water, oxygen, carbon dioxide and ions are allowed to pass through the blood-brain barrier. Liver में कैपिलरीज में पोर नहीं होते, क्लेफ्ट होते हैं. बिकॉज लिवर इज अ साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, और वो प्रोटीन बाहर भी आने चाहिए, ठीक है ना, अंदर भी घुसने चाहिए कैपिलरीज के. तो लिवर हैज गॉट क्लेफ्ट. साइनुसॉइड्स हैं लिवर के अंदर, कैपिलरीज बहुत कम होती है, साइनुसॉइड्स होते हैं लिवर के अंदर. दे आर ऑल वाइड ओपन, सो ऑल डिजॉल्व सब्सटेंसेज इन द प्लाज्मा कैन पास अक्रॉस द कैपिलरीज और साइनुसॉइड्स ऑफ द लिवर. जीआईटी मिडवे बिटवीन द मसल एंड द लिवर, पोर्स जो होते हैं कैपिलरीज में बीच के होते हैं जीआईटी के, बिकॉज मेनी सब्सटेंसेस हैव टू बी एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द गट एंड पास टू द सर्कुलेशन. लिम्फेटिक्स में भी जाएगा वो और कैपिलरीज में भी जाएगा, तो उसको पास अलाउ करने के लिए जीआईटी में काफी बड़े पोर्स होते हैं. ग्लोमेरुलर कैपिलरीज दे आर फैसिलिटेटेड फिल्ट्रेशन, यू हैव सीन ऑलरेडी, पता है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में पोर्स होते हैं. एंड द परमेबिलिटी ऑफ द कैपिलरी वॉल अल्टीमेटली डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल. इसके अलावा भी बहुत से फैक्टर्स हैं, आपने डिफ्यूजन का, ऑस्मोसिस के बारे में सारा पढ़ रखा है, वो सारे फैक्टर्स यहां ऑपरेट करेंगे. ब्लड फ्लो इन द कैपिलरीज इज नॉट कंटिन्यूअस. बड़ा मजा आ रहा है पीछे बात करने में. कर लो. तो ब्लड फ्लो इन द कैपिलरीज इज नॉट कंटिन्यूअस. बड़ी सरप्राइजिंग बात है. द फिनोमेना ऑफ ब्लड फ्लो इज नोन एज वाजो मोशन. बंद हो गई, खुल गई, बंद हो गई, खुल गई, अपनी मर्जी से काम चल रहा है वहां पे. एंड दैट इज डिटरमिन्ड बाय द अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड एट द सेल्युलर लेवल. सेल की रिक्वायरमेंट कितनी है जहां कैपिलरीज मौजूद है, वो डिटरमिन करती है कि ब्लड फ्लो कितना होगा. आपका कार्डियक आउटपुट डिटरमिन नहीं कर रहा, ब्लड प्रेशर डिटरमिन नहीं कर रहा, डिटरमिन कर रहा है टिश्यू रिक्वायरमेंट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स एंड द ऑक्सीजन. सो वाजो मोशन इज देयर. वाजो मोशन का मतलब कैपिलरीज खुलती बंद होती रहती है, लगातार नहीं चलता. एंड दिस वाजो मोशन इज रेगुलेटेड बाय द मेटा आर्टेरियोल्स एंड द प्री कैपिलरी स्फिंक्टर. मेटा आर्टेरियोल्स में जो स्मूथ मसल फाइबर्स है बिखरे हुए इधर उधर, और प्री कैपिलरी एरिया पे जो मसल फाइबर लगा हुआ है जिसको हम प्री कैपिलरी स्फिंक्टर कह रहे हैं, वो रेगुलेट करता है कैपिलरी ब्लड फ्लो कितना होगा. कैपिलरी एंडोथेलियल सेल्स देमसेल्व्स हैव गॉट द रेगुलेटरी कैपेसिटी. दे हैव गॉट कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स एक्टिन एंड मायोसिन. उनका अरेंजमेंट मसल की तरह नहीं होता, बट दे आर देयर. एक्टिन एंड मायोसिन आर देयर इन द कैपिलरी एंडोथेलियल सेल्स, एंड बाय कॉन्ट्रैक्टिंग दे कैन चेंज द डायमीटर ऑफ द कैपिलरी देमसेल्व्स. इंटरनल डायमीटर को बदला जा सकता है और उसकी वजह से ब्लड फ्लो को रेगुलेट किया जा सकता है. फ्लो कैपिलरीज में दो तरह का हो सकता है. इट इज आइदर न्यूट्रिशनल फ्लो और ए नॉन न्यूट्रिशनल फ्लो.
खास तौर से हम स्किन में देखते हैं, स्किन में दोनों तरह का फ्लो है, न्यूट्रिशनल भी है नॉन न्यूट्रिशनल भी है। नॉन न्यूट्रिशनल फ्लो इन द स्किन रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, वाइल द न्यूट्रिशनल फ्लो इज वेरी मच लिमिटेड, बहुत कम होता है, वो आपके सिर्फ रिक्वायरमेंट जो मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए होता है। सो न्यूट्रिशनल एंड नॉन न्यूट्रिशन फ्लो कहते हैं नॉन न्यूट्रिशन को, जो कि खासतौर से स्किन में ज्यादा देखा जाता है। पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन एंड अदर लोकल फैक्टर्स रेगुलेट दी कैपिलरी ब्लड फ्लो, इसकी हम बात करेंगे। तो कैपिलरीज में हो क्या रहा है कुल मिला करके, दिस इज अ कैपिलरी एक्सचेंज फिनोमिना, बिकॉज अल्टीमेटली वॉट एवर इज बींग कैरीड बाय द ब्लड टू द टिश्यूज इज फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ द टिश्यूज। ग्लूकोज चाहिए, लैक्टिक एसिड चाहिए, अठाना है वहां से, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन आयन है, एंड मेनी न्यूट्रिएंट्स आर बीइंग एक्सचेंज्ड अक्रॉस द कैपिलरी वॉल। सो दैट अकर्स बाय वेरियस मैकेनिजम्स, कैपिलरी एक्सचेंज अकर्स बाय वेरियस मैकेनिजम्स, वन ऑफ दैम इज द डिफ्यूजन। द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इज डिटरमाइंड बाय वेरियस फैक्टर्स, लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेज आर इजिली एबल टू क्रॉस द मेम्ब्रेन, वो मेम्ब्रेन लिपिड में डिजोल्व होते हैं और इंट्रावैस्कुलर कंपार्टमेंट से एक्स्ट्रावैस्कुलर कंपार्टमेंट में जा सकते हैं, इस तरह एक्स्ट्रावैस्कुलर से इंट्रावैस्कुलर में भी आ सकते हैं। दे आर दी सब्सटेंसेज विच पास विद ईज, सबसे आसानी से कैपिलरी मेम्ब्रेन को अगर कोई क्रॉस कर सकता है तो लिपिड सॉल्युबिलिटी है इनकी बेसिकली। रैपिडली ट्रांसपोर्ट डिटरमिन्ड बाय द डिग्री ऑफ लिपिड सॉल्युबिलिटी एंड कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ कोलेजन, ये डिफ्यूजन को रेगुलेट करने का मेजर फैक्टर है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ओके, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सट्रैक्टा आर लिपिड सॉल्युबल, इनमें से दोनों में से लिपिड सॉल्युबल ज्यादा कौन सी है, ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड है, विच इज मोर लिपिड सॉल्युबल, ये एमसीक्यू में आ जाता है कई बार। कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्युबल देन द ऑक्सीजन, लिपिड सॉल्युबिलिटी CO2 की ज्यादा है बजाय ऑक्सीजन की। वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेज लाइक आयंस, ग्लूकोज, यूरिया एक्सेट्रा, दे पासेज अक्रॉस द मेम्ब्रेन डिटरमिन्ड बाय द रेस्ट ऑफ द फैक्टर्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिफ्यूजन प्रोसेस डिटरमिनेंट। क्या क्या डिटरमिन करता है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इज देयर, इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट इज देयर फॉर द आयंस, ओके, सरफेस एरिया इज देयर ऑफ द अवेलेबल फॉर द डिफ्यूजन प्रोसेस, थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन फॉर द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन कोफिशियंट, ऑल दीज फैक्टर्स, टेम्परेचर इज देयर, ऑल दीज फैक्टर्स आर डिटरमाइनिंग द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। रेट ऑफ वाटर डिफ्यूजन इज 80 टाइम्स मोर देन द फ्लो वेलोसिटी ऑफ द प्लाज्मा इन द कैपिलरीज। अब इसका क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस, रेट ऑफ वाटर डिफ्यूजन इज 80 टाइम्स मोर देन द फ्लो वेलोसिटी ऑफ द प्लाज्मा इन द कैपिलरीज। इसका मतलब प्लाज्मा का अगर बहुत रैपिड फ्लो हो देन दैट स्मॉल टाइम इज सफिशियंट एनफ टू अलाउ फॉर द एक्सचेंज ऑफ वाटर अक्रॉस द टिश्यू और कैपिलरी वॉल। मतलब बहुत कम, इतना ज्यादा परमेबिलिटी है वाटर का कि बहुत कम समय के लिए अगर फ्लो वेलोसिटी ब्लड की बढ़ा दी जाए, कार्डिक आउटपुट बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है, इसके बावजूद भी जो टाइम अवेलेबल होगा जिसके लिए ब्लड टिश्यूज में रुक रहा है, दैट इज सफिशियंट टू अलाउ फॉर द एक्सचेंज ऑफ द वाटर एंड द अदर कंपोनेंट्स ऑफ द प्लाज्मा। देन मॉलिक्यूलर साइज इज द मेजर डिटर्मिनेंट एंड द कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट, ये डिफ्यूजन को डिटर्मिन करने वाले फैक्टर। द रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ द सब्सटेंसेज अक्रॉस द कैपिलरी मेम्ब्रेन, ये रिलेटिव है, वाटर मॉलिक्यूलर वेट अगर 18 है, इसका परमेबिलिटी हम यूनिट मानते हैं 1 है इसका, ठीक है, तो उसके कंपैरिजन में अलग अलग चीजों की परमेबिलिटी यहां दिखा रखी है। एल्ब्यूमिन एंड हीमोग्लोबिन एज यू कैन सी विद द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 68,000 डाल्टन्स ऑफ द हीमोग्लोबिन एंड 69,000 ऑफ द एल्ब्यूमिन, द परमेबिलिटी फॉर दीज इज वेरी वेरी लो, बट दे आर स्टिल एबल टू क्रॉस, है तो सही, तो फिल्टर तो होता है, ये जा सकता है आराम से, मगर उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इन कंपैरिजन टू द वाटर। टोटल बॉडी वाटर इज 60% ऑफ द बॉडी वेट, 42 लीटर्स आपका टोटल बॉडी वाटर है। इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट कंटेन्स 28 लीटर्स आउट ऑफ इट, 42 में से 28 इंट्रासेलुलर है, 14 आपका एक्स्ट्रा सेलुलर है, एंड आउट ऑफ 14 3 लीटर इज द प्लाज्मा एंड 11 लीटर इज द इंटरस्टीशियल फ्लूइड। दिस इंटरस्टीशियम विच कंटेन्स द इंटरस्टीशियल फ्लूइड और वाटर इज देयर 11 लीटर,
दैट वाटर इज नॉट विजिबल. अगर हम काट के देखें तो पानी नहीं निकलेगा वहां से, टिश्यूज में से, वो पानी है कहां? द इंटरस्टीशियम कंसिस्ट ऑफ कोलेजन फाइबर बंडल्स विच प्रोवाइड द टेंसाइल स्ट्रेंथ टू द टिश्यूज एंड दे ऑल्सो कंटेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द इंटरस्टीशियल टिश्यू इज द प्रोटियोग्लाइकेन फिलामेंट. प्रोटियोग्लाइकेन बहुत तरह के होते हैं, कॉन्डोटिन सल्फेट, हिपेरॉन सल्फेट, हिपेरिन, डर्मेट्रॉन सल्फेट, ये सारे प्रोटियोग्लाइकेन्स हैं. बायोकेमिस्ट्री में पढ़ाया होगा आपको या पढ़ा देंगे. सो दीज प्रोटियोग्लाइकेन्स आर देयर एंड दे आर हैविंग एबिलिटी और करेक्टरिस्टिक टू यूनाइट विद वाटर एंड होल्ड इट इन द जेल फॉर्म रादर देन सॉल फॉर्म. पानी बॉडी में दो रूप में हो सकता है, सॉल सॉल्युबल विजिबल एंड जेल फॉर्म जो दिखेगा नहीं आपको मगर पानी वहां मौजूद है. सो इंटरस्टीशियम कंटेनिंग द प्रोटियोग्लाइकेन्स आर एबल टू होल्ड वाटर इन द जेल फॉर्म रादर देन सॉल फॉर्म सो दैट वाटर इज नॉट विजिबल एंड द प्रोटियोग्लाइकेन फिलामेंट आर मेनली कंसिस्टिंग ऑफ द हाइलुरोनिक एसिड एंड 2% द प्रोटीन्स आर देयर. तो प्रोटियोग्लाइकेन्स अलग अलग तरह के, उनकी कंपोजिशन थोड़ी थोड़ी फर्क पड़ती है, कार्बोहाइड्रेट कंटेंट, प्रोटीन कंटेंट, इनका फर्क होता है, बायोकेमिस्ट्री में पढ़ाएंगे आप. सो द इंटरस्टीशियल फ्लूइड देन इज डिराइव्ड फ्रॉम द फिल्ट्रेशन ऑफ द प्लाज्मा. जो फ्लूइड वहां मौजूद है वो प्लाज्मा से ही आता है. द कंपोजिशन ऑफ द फ्लूइड इन द इंटरस्टीशियल कंपार्टमेंट इज सेम एक्सेप्ट लोअर कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोटीन, बिकॉज प्रोटीन का जो डिफ्यूजन है, पैसेज अक्रॉस द मेम्ब्रेन, वो बहुत कम है. तो प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन प्लाज्मा में अलग होगी और टिश्यूज में अलग होगी, ये मेजर फर्क है. देन आयनिक कंसंट्रेशन, कैटायंस और एनायंस भी डिफर करेंगे थोड़ा सा. ऑल्दो मेम्ब्रेन इज परमिएबल बट बिकॉज ऑफ द डोनांस इफेक्ट द कॉन्सेंट्रेशन विल बी डिफरेंट. नाउ मे आई आस्क व्हाट इज डोनांस इफेक्ट? How do you define Donant's equilibrium effect? Anybody? Donant's effect. कोई है बता सकता है जो? Donant's equilibrium effect क्या कहता है? Because one of the contributors of the resting membrane potential is the Donant's effect also. Major is the permeability of the potassium ion, diffusion potential है basically. RMP is a diffusion potential created because of the potassium diffusion, exit of the potassium. Second contributor is a sodium potassium pump and the third contributor is the Donant's equilibrium effect. What is that effect? Donant's equilibrium, हाँ बोलो. नहीं, काफी कुछ ठीक बोला है मगर हम उसको दूसरे ढंग से बताते हैं. बैठ जाओ. काफी सही बोला है. डोनांस इक्विलिब्रियम इफेक्ट प्रिडिक्ट्स, इट प्रिडिक्ट्स दैट प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ डिफ्यूजेबल आयंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन एट इक्विलिब्रियम विल बी सेम. इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट में सोडियम क्लोराइड पॉजिटिव आयंस भी है, नेगेटिव आयंस भी है इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट में, और एक्स्ट्रा सेलर कंपार्टमेंट भी है. इनका अगर प्रोडक्ट देखेंगे तो वो कभी करीब बराबर आएगा. सो एट इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द डिफ्यूजेबल आयंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन विल बी सेम एंड दैट अकर्स बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ द नॉन डिफ्यूजेबल एनायंस इन टू द इंट्रा सेलर कंपार्टमेंट, जो कि बहुत ज्यादा होते हैं एक्स्ट्रा सेलर कंपार्टमेंट के मुकाबले में. एक्स्ट्रा सेलर कंपार्टमेंट में एक्स्ट्रा सेलर कंपार्टमेंट प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन 6-8 ग्राम परसेंट, जबकि इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट में बहुत ज्यादा होती है. दीज प्रोटीन्स आर नॉन डिफ्यूजेबल एंड बिकॉज दे आर नॉन डिफ्यूजेबल दे कॉज अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिफ्यूजेबल आयंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन एंड एट इक्विलिब्रियम द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिफ्यूजेबल आयंस ऑन वन साइड ऑफ द मेम्ब्रेन विल बी सेम टू द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिफ्यूजेबल आयंस ऑन द अदर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन एंड दैट कॉजेज रीडिस्ट्रीब्यूशन. And definitely that creates an additional negativity inside the cell because of the
non-diffusible protein enhanced. So that is the Donnan's equilibrium effect, and because of that, that occurs at the capillary membrane also. So capillaries mein osmosis bhi hoti hai, diffusion bhi hota hai, theek hai? And because of that, the ionic concentration sodium chloride ki relatively chloride jo hai plasma mein zyada hoga, interstitial compartment mein kam hoga, sodium udhar zyada hoga, idhar kam ho jayega. So there is a redistribution, but product will be the same. That is the Donnan's equilibrium effect. In the interstitial compartment, as I said, water is trapped in the with the proteoglycans in the gel form, so it is not visible. Free fluid is not found in the tissue. So less than 1% of the total water is present in the tissues, which can be seen as a free water there. Otherwise, most of the water is present or is bound with the proteoglycans in the gel form. So permeability of the capillary endothelium, अब हमने देखा था अलग अलग आयंस कंपोनेंट्स की अलग अलग मोबिलिटी है डिपेंडिंग अपॉन देयर मॉलिक्यूलर वेट. तो फ्रीली पास कौन कौन से हो सकते हैं? ऑल सब्सटेंसेस हैविंग द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इक्वल टू और लेस देन 5000 मॉलिक्यूलर वेट आर इजीली पासेबल थ्रू द कैपिलरी मेम्ब्रेन. ग्लूकोज, आयंस, एमिनो एसिड, हॉर्मोन्स आर ऑल फ्रीली exchangeable across the capillary membrane, relatively impermeable to proteins, therefore interstitial fluid same ionic composition as plasma with little protein or no red blood cells are there. Edema ki hum baat nahi karenge abhi. So what are the factors determining the exchange of fluid across the capillary membrane? These are the forces which are known as Starling's forces kehte hain. Four forces are there, basically two are there. Capillary hydrostatic pressure, simply can be called as capillary pressure, first thing. Then plasma colloid osmotic pressure, third interstitial tissue pressure, and fourth osmotic pressure of the proteins in the interstitial compartment. Char cheeze hain jinko hum Starling's forces keh rahe hain. Capillaries mein pressure kitna hai, कैपिलरीज में प्लाज्मा प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन कितने, जो ऑस्मोटिक प्रेशर इफेक्ट करेगा, ऑनकोटिक प्रेशर कहते हैं उसे. टिश्यूज में हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कितना है और टिश्यूज में कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है प्लाज्मा प्रोटीन्स का. फोर फैक्टर्स आर देयर डिटरमिनिंग द एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस एंड वाटर अक्रॉस द मेम्ब्रेन. So all these factors which are responsible for the process of filtration are the same factors responsible for the formation of the tissue fluid. Kyun jo fluid filter hoke capillary se ja raha hai extravascular compartment mein, usko hum tissue fluid kehte hain. So all those factors determining the capillary filtration are the factors determining the formation of the tissue fluid. So hum usko us roop mein hum baat karenge. So what are the factors which determine the tissue fluid formation or which affects the capillary filtration process basically? So first is the capillary pressure. It is also known as the hydrostatic pressure in the capillaries. Second, we have seen colloid osmotic pressure. Third is interstitial fluid pressure. Fourth is the colloid osmotic pressure in the interstitial compartment. The capillary pressure kitna hai? Different tissues has got different capillary pressure. अलग अलग जगह पे अलग अलग है. रीनल ट्यूब्यूल्स में, ग्लोमेरुलाई में अलग प्रेशर है, ब्रेन में अलग प्रेशर है, मसल्स में अलग है, जीआईटी में अलग है, स्किन में अलग है. एवरीवेयर द कैपिलरी प्रेशर इज डिफरेंट, डिटरमाइनिंग द फिल्ट्रेशन प्रोसेस. सो हाउ वी कैन डिटरमाइन द कैपिलरी प्रेशर? वन इज द माइक्रोपिपेट मेथड. एक बहुत छोटी सी ग्लास की माइक्रोपिपेट बनाते हैं, उसको इंट्रोड्यूस करके हम कैपिलरी प्रेशर नाप सकते हैं उसको. बाय दिस मेथड it has been determined that the pressure at the arterial end is 30 to 40 millimeters of mercury on an average. On an average at the arterial, hum capillary ki baat kar rahe hain, capillary jahan se shuru ho rahi hai wo arterial end hai uska, wahan pe agar hum pressure naapenge to
30 से 40 मिलीमीटर मरकरी आता है, और वीनस एंड पे वही प्रेशर जो है 10 से 15 मिलीमीटर रह जाता है. ओके, तो ऑन एन एवरेज फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन वी कंसीडर द कैपिलरी प्रेशर एट द आर्टेरियल एंड एज 30 मिलीमीटर फॉर द मरकरी. नॉर्मली हम यही मान के चलते हैं. आगे देखते हैं क्या लेवल आती है. एंड एट द वीनस एंड वी कंसीडर द कैपिलरी प्रेशर एज 10 मिलीमीटर फॉर द मरकरी. सो मीन कैपिलरी प्रेशर इसका 30 मान लें और इसका 10 मान लें तो मीन आता है करीब करीब 17.3. ये एग्जैक्ट मीन नहीं है, 30 और 10 को निकालेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा, मगर यहाँ आ रहा है 17, थोड़ा ज्यादा आ रहा है. एज द ब्लड पासेज और प्लाज्मा पासेज थ्रू द कैपिलरीज वाटर इज गेटिंग फिल्टर्ड, प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन इज राइजिंग कंटिन्यूअसली, तो फिल्ट्रेशन गोज ऑन डिक्रीजिंग, तो वही प्रेशर कंटिन्यूअसली कैपिलरीज में नहीं रहता, इट इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग बिकॉज ऑफ रिमूवल ऑफ द वाटर. वाटर घटता चला जा रहा है, कैपिलरी प्रेशर घटता चला जा रहा है और ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है. सो एवरेज प्रेशर इज डिफरेंट देन द नॉर्मल कैलकुलेशन मेथड. तो एवरेज कैपिलरी प्रेशर इज 17.3 मिलीमीटर ऑफ द मरकरी. दिस प्रेशर इज द एवरेज प्रेशर विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पुशिंग वाटर फ्रॉम इंट्रावेस्कुलर टू द एक्स्ट्रा वेस्कुलर कंपार्टमेंट. ये वो फोर्स है एवरेज जो पानी को प्लाज्मा से टिश्यूज में भेजती है, फिल्ट्रेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल. ओके, द सेकेंड फैक्टर इज द कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन. नॉर्मली हम जो फिगर पढ़ते हैं वो 25 मिलीमीटर करीब है, एवरेज हम देते हैं 28 मिलीमीटर द मरकरी इज द प्लाज्मा कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर. माइंड इट, आई मे जस्ट रिमाइंड यू दीज प्रेशर्स आर टेकन फ्रॉम द आर्थर सी गाइटन बुक. अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलेगा ये आपको, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. गाइटन की स्टैंडर्ड बुक है, रिनोड वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड बुक है. कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में सबसे ज्यादा अगर किसी ने रिसर्च कॉन्ट्रीब्यूशन किया है तो गाइटन और उसके 11 बेटे बेटियों ने किया. ऑल डॉक्टर्स अलग अलग फील्ड में बट दे हेल्प देयर फादर इन डूइंग रिसर्च ऑन द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम. तो जो भी वैल्यूज गाइटन की है सीबीएस से रिलेटेड वो ऑथेंटिक है और वर्ल्ड वाइड जानी जाती है वो. ठीक है, सो दीज आर दी वैल्यूज आई हैव टेकन फ्रॉम दी गाइटन. तो कंफ्यूजन आपको गेनोंग में अलग मिलेगी, राइट्स में अलग मिलेगी, दूसरी किताब में अलग मिलेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको यही फॉलो करना है. सो आउट ऑफ 28 मिलीमीटर ऑफ द कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर प्लाज्मा प्रोटीन विच इज एग्जर्टेड बाय 6 to 8 ग्राम्स ऑफ द प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन, आउट ऑफ दैट ऑस्मोटिक इफेक्ट ओनली 19 मिलीमीटर ऑफ मरकरी इज कॉज्ड बाय द प्रोटीन देमसेल्फ. 28 में से 19 मिलीमीटर ही प्रेशर वो है जो कि प्रोटीन एग्जर्ट कर रहे हैं, बाकी प्रेशर कहां से आ रहा है, डोनांस इफेक्ट की वजह से आ रहा है. प्रोटीन जहां मौजूद है वो नेगेटिव आयंस को खींच के रखते हैं, डोनांस इफेक्ट अभी देखा था, और उसकी वजह से एडिशनल ऑस्मोटिक प्रेशर एग्जर्ट होता है. So 9 millimeter is exerted by the ionic effect, that is Donan's effect, that is 28 millimeter of mercury. So out of 28 millimeter or out of 19 millimeter, albumin is responsible for major portion of this. 80% of the colored osmotic pressure exerted by proteins is because of the albumin, because they are larger in concentration and molecule size is smaller. So jitna molecule ka size chota hoga, utna hi jyada wo नंबर उसका बढ़ेगा, और नंबर ज्यादा होगा तो ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर एग्जर्ट करेगा. ग्लोबुलिंस एग्जर्ट ओनली 20% ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर. द थर्ड, सो कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर इज द फोर्स विच इज अपोजिंग द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन. कैपिलरी प्रेशर फिल्ट्रेशन कर रहा था, कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर फिल्ट्रेशन को रोकेगा, वो पानी को रोक के रखेगा ब्लड के अंदर, फिल्टर नहीं होने देगा. सो दैट इज द अपोजिंग फोर्स इन द बॉडी फॉर द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन एंड टिश्यू फ्लूइड फॉर्मेशन. द थर्ड इज द इंटरस्टिशियल फ्लूइड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. ये ज्यादातर टिश्यूज में नेगेटिव होता है, इन सम टिश्यूज द प्रेशर में भी पॉजिटिव, जैसे लीवर में, किडनी में हो सकता है ये पॉजिटिव हो, होता भी है, मगर ज्यादातर टिश्यूज में नेगेटिव होता है. एंड इट हैज बीन डिटरमाइंड टू बी -2 और -6. तो सबसे ज्यादा मेथड जो डिटरमिन किया वो कॉटन विक मेथड है. यहाँ से कॉटन की बहुत बारीक विक बना करके बत्ती बना के डालते हैं एनिमल्स में, और फिर वो जो सोखता है फ्लूइड को उससे हम प्रेशर मेजर करते हैं, वो आता है आपका -1 to -6.
3 मिलीमीटर ऑफ द मर्करी, -6 तक जा सकता है, पॉजिटिव में भी जा सकता है. तो ऑन एन एवरेज द इंटरस्टीशियल टिश्यू प्रेशर इज टेकन एज -3 मिलीमीटर ऑफ द मर्करी फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन. इट मीन्स दिस इज द प्रेशर विच इज कॉजिंग फिल्ट्रेशन. क्योंकि ये नेगेटिव में है, टिश्यूज में है, तो प्लाज्मा से पानी को बाहर खींचेगा, ये प्लाज्मा से पानी को बाहर खींचेगा. सो इंटरस्टीशियल टिश्यू प्रेशर विच इज नेगेटिव इज अ पॉजिटिव फोर्स फॉर द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन. दिस प्रेशर जिसकी हम बात, अरे बातें मत करो बच्चों, इन द क्रेनियल वॉल्ट ब्रेन किडनी जैसा सेट द प्रेशर में बी पॉजिटिव. स्किन लूज कनेक्टिव टिश्यू ज्यादा होता है, प्रेशर इज नेगेटिव. कैविटीज में प्लूरा साइनोवियल स्पेसेस एपिड्यूरल स्पेसेस प्रेशर इज नेगेटिव. एवरेज प्रेशर इज सेड इज -3 मिलीमीटर ऑफ मर्करी. लिम्फेटिक पंप, अब ये माइनस में क्यों है? व्हाई द प्रेशर इन द टिश्यूज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इज नेगेटिव बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस ऑपरेशन ऑफ द लिम्फेटिक पंप. लिम्फेटिक्स अगर ओपन है तो फ्लूइड को वहां से लगातार हटाती रहती है. लिम्फेटिक पंप इज देयर, आगे बात करेंगे और क्या क्या फैक्टर्स है उसको रेगुलेट करने वाले. सो लिम्फेटिक पंप इज द बेसिक कॉज ऑफ नेगेटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इन द इंटरस्टीशियल कंपार्टमेंट. कहां गया भाई? देन द फोर्थ फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ द टिश्यू फ्लूइड इज द इंटरस्टीशियल फ्लूइड ऑस्मोटिक प्रेशर. द प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द टिश्यूज आर इन मच लोअर कंसंट्रेशन. प्लाज्मा में 6 से 8 ग्राम तक होते हैं, टिश्यूज में 2 से 3 ग्राम ही होते हैं. सो प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन इज लेस, सो ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सर्टेड बाई देम इज ऑल्सो लेस एंड ऑन एन एवरेज वी टेक इट एज 8 मिलीमीटर ऑफ द मर्करी. ओके, दिस इज द प्रेशर विच इज पॉजिटिव प्रेशर फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ द प्लाज्मा वाटर. ये पानी को बाहर खींचेगा, फिल्ट्रेशन करेगा. सो ओवरऑल वी कैन से दैट ओनली वन फैक्टर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पुशिंग वाटर आउट ऑफ द इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट इन टू द एक्स्ट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट, दैट इज द कैपिलरी प्रेशर. सो कैपिलरी प्रेशर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फिल्ट्रेशन, प्रेशर क्रिएट वो कर रहा है. ऑल अदर फैक्टर्स, इज इट सो? नो. द सेकेंड फैक्टर विच इज फिल्ट्रेशन रेस्पॉन्सिबल है वो है इंटरस्टीशियल फ्लूइड ऑस्मोटिक प्रेशर. वहां जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो भी फ्लूइड को बाहर खींच रहे हैं, और नेगेटिव इंटरस्टीशियल प्रेशर जो है वो भी बाहर खींच रहा है. सो थ्री फैक्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर फ्रॉम इंट्रावेस्कुलर टू द एक्स्ट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट. ओनली वन फैक्टर इज अपोजिंग इट, दैट इज प्लाज्मा कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर. वही सिर्फ अपोज कर रहा है, बाकी सब फेवर कर रहा है फिल्ट्रेशन को. सो फोर्सेज एक्टिंग एट द आर्टीरियल एंड, आर्टीरियल एंड पे अगली बार बात करेंगे मेरे.